डेढ़ घंटे से सही 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 लगा रखता है, देखते नहीं हो लड़की बेहोश हुई जा रही है। आओ अंजू नाश्ता करने। इन्हीं बातों से सर पीट लेने को जी चाहता है। आप तो चाहते हैं कि जूता भी पहनो और पैर भी जमीन पर न रखो। राय साहब ये कोई गाजर का हलवा थोड़ी है जो आराम से खा लिया, इसमें तो खून का पसीना करना पड़ता है जी। ये तो कला है, कला। सुबह सुबह झिझक मत करो मुझसे, नहीं तो तुम्हारी कला से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। लानत है मुझ पर जो आज से मैं इस घर में एक कदम भी रखूं। अरे 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 कहीं गुस्से में तबले ना ले जाइएगा। पिताजी आप गुरु जी का अपमान कर रही है। अगर इतनी ही तकलीफ होती है आपको तो मुझे ना सिखवाते ही क्यों है? कौन गधा सिखवाना चाहता है? वो लाट साहब के बच्चे जो ब्याहने आते हैं पूछते हैं लड़की एमए पास है, मुंह में पूरे 32 दांत हैं, नकदी क्या लाख लाएगी, रंग तो काला नहीं है। अबे देखता नहीं है दूध ठंडा हो गया है? मारेगा ठंडा दूध पिलाकर मेरी बच्ची को। कोई गधा ये नहीं पूछता कि सीना फिरोना जानती है, खाना पकाना जानती है, घरदारी जानती है। तबलची के बच्चे आकर पूछते हैं नाचना जानती है, गाना जानती है, मटकना जानती है। तुत मैं तो तबलची का बच्चा नहीं हूं, मेरा बाप तो हापड़ में पापड़ बनाता था। तुम आज फिर आ पहुंचे? कल ही तो इसमें धावा बोल के गए। हुजूर कल तो सोमवार था, कल मेरी दावत अमर बाबू के यहाँ थी, रविवार को सोनिया के यहाँ, शनिवार को मंदिर में, शुक्रवार को अनाथ आश्रम में, गुरुवार को खराचे हॉस्पिटल में, और आज आपकी बारी है। हुजूर मेरे पास तो महीने भर का प्रोग्राम लिखा रहता है, आप खुद देख लीजिए। शादी क्यों नहीं करते हो? धोबी के कुत्ते की तरह न घर के न घाट के इधर उधर मुंह मारते फिरते हो। हुजूर एक मनहूस ज्योतिषी ने कह दिया 17 औलादें होंगी, चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे बाप की अभी कभी कोई औलाद हुई है? सुना है हुजूर एक हुई थी। ये बरसाती बीमारियां कहां से आ गई? निकालो इन्हें नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। हुजूर मैं इनको अपने साथ लाया हूँ। आपको किसने बुलाया था? देखते क्या हो, निकालो इन सबको बाहर। पर हुजूर मेरी बात तो सुनिए। पिताजी ये सब क्या हो रहा है? अंजू देवी मुझसे पूछिए, अंजू देवी मुझसे। वकील साहब छोड़ देंगे। हाँ अंजू देवी आप ही इंसाफ कीजिए, गांव के मंदिर का हर साल मेला होता है, इस साल भी गांव वालों ने 2-2 पैसे जमा करके एक पिंडाल बांधा था, मगर संकट और उसके साथियों ने मिलकर पिंडाल के चिथड़े उड़ा दिए, कहता है कि मेला नहीं होगा। वो कौन होता है मेला रोकने वाला? मेला होगा और जरूर होगा। बेटी अंजू दूध पीने चलो, दूध ठंडा हो रहा है, निकालो इन्हें बाहर। पिताजी आप इन सबको बाहर क्यों निकाल रहे हैं? आइए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कीजिए, डरते क्यों हैं? आइए ना, क्यों मना, आइए। जल्दी सबके लिए मिठाई और फल लेकर आओ, बैठिए ना। बैठ जाओ, बैठो। आज से हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे तुम्हारे ऊपर बंद हो गए, आखिरी बार जो जी चाहे खा लो, जाओ। अजी आप कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हैं? गाजर का हलवा तैयार है। अजी नोश कीजिए, नोश कीजिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अंजू जानती हो इस बीमारी का क्या नाम है? आप एल मुझे मार, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगी। सबको बांट दो, सबको बांट दो, खाओ 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 भाइयों, भाइयों और बहनों तकल्लुक छोड़ दो, खाओ मौज करो, भूल जाओ संकट को और उसके मेले को, अपना मेला यही मना लो, इससे बड़ा मेला क्या होगा। बोलो अंजू देवी की। मैंने कहा आप तो अपने आप को बड़ा भारी वकील कहते हैं ना, फिर आपने संकट को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? अदालत में आ जाए तो आपकी मिठाई की कसम दफा 109 में फांस कर उसके चिथड़े उड़ा दूं। मगर मुसीबत ये है कि वो जबान से बात ही नहीं करता, चाकू से बात करता है, चाकू से। अच्छा तो आप लोग बैठे, जरा आप मेरे साथ आइए। संकट के घर का पता मालूम है आपको? जी हाँ मुझे मालूम है। संकट के घर का पता? जी नहीं मुझे नहीं मालूम। डरे आप? डर? आप क्या कहते हैं, मैं और डर
इसमें डरने की क्या बात है, मगर मगर पुलिस का इंतजाम बेहतर रहेगा। आप जो मेरे साथ हैं, पुलिस की क्या जरूरत है? जी जी चलिए भगवान। गाड़ी पलटाइए, वो शेर बैठा हुआ है। कहाँ? वो क्या सामने। आप जाइए और उसे यहाँ बुला के लाइए। कौन? मैं? हॉर्न बजाइए। हॉर्न फिर डरे आप? जाइए। शंकर, शंकर भैया, शंकर बादशाह, बड़ी मुसीबत में फंस गया भैया। ये क्या कर रहे हो? सब डायलॉग भूल जाऊंगा भैया। ये राय साहब की लड़की बड़ी नादान है, नई नई कॉलेज से आई है, तुमको पहचानती नहीं। जब गाँव वालों की मौत आई तो तुम्हारी शिकायत लेकर राय साहब के पास पहुंच गए। मैंने बहुत समझाया कि शंकर भैया जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मगर अकड़ के चली आई। भैया जरा तुम इसके आकर भुला दो। भैया इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं बेगुनाह हूँ भैया। भैया मैं जाता हूँ। अंजुदेवी जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन इस वक्त बहुत ही भयानक हो रहा है। जो कोई बोलेगा उसकी चिट्ठी उड़ा देगा। पर तो गांव वाले कहते हैं कि आपने मेले का पिंडाल तुड़वा दिया है। ठीक कहते हैं। तो उन बिचारों का मेला कहाँ होगा? मेला नहीं होगा। क्यों? हुकूमत आपकी है, जमीन मेरी। मगर आप कानून के खिलाफ रोक रहे हैं। मेरे पास भी चोटी का वकील है, अमरनाथ। लेकिन झगड़ा बढ़ाने से फायदा क्या शंकर भैया? मेरी कोई फैन मैन नहीं, मैं अपने माँ बाप का अकेला। माँ बाप के अकेले होते रोक लेना मेरा। प्लीज प्लीज प्लीज। आप ही अमरनाथ वकील हैं? आपको इसमें शक क्यों है? इसलिए कि सूरत से तो आप भले आदमी मालूम हैं। सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हूं। तो फिर आप संकट जैसे बुरे आदमी के मुकदमे की पैरवी क्यों कर रहे हैं? आपको कोई इतराज है? ये शराफत और इंसाफ का खून होगा। अगर मैं आपका कहा मान लूं तो आपका एहसान होगा, और अगर न मानूं तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और लोग जान जाएंगे कि आपको पैसे से खरीदा जा सकता है। मैं तो बड़े अच्छे दामों में बिक चुका हूं, और अब अगर कोई कानून का खजाना भी लेकर आएगा तो मैं ये सौदा नहीं तोड़ूंगा। तो आपके बुजुर्गों ने आपको इसी दिन के लिए तालीम दिलवाई थी। गजब कर रही हैं आप, उन्हीं के कहने पे तो चल रहा हूं। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमियों की वजह से होती है। चोरी डाकी और जुर्म आप ही लोगों की पनाह में होते हैं। जी हाँ, पूरब से पश्चिम तक दुनिया में सारी बुराइयों की जड़ तो मैं ही हूँ। मुझे खुशी है कि आप सच बोल रहे हैं। सच तो यह है कि ऐसा हसीन गुस्सा मैंने आज तक नहीं देखा। नक्शा भी खूब है, और इन काली लटों पर तो हिंदुस्तान की सारी शायरी कुर्बान। क्या कह रहे हैं आप? कह रहा था कि संकट का मुकदमा तो क्या मैं सिरे से वकालत ही छोड़ दूंगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने साथ बनारस ले चलिए। वहां गंगा नहाकर सारी जिंदगी आपके नाम की माला ही जपता रहूंगा। बात करने की तमीज नहीं है, ये जानबूझकर बदतमीज बन रहे। आपकी आंखों में अपनी निजात देख रहा हूं। बेहुदा है आप। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। कुचल डालिए इसे दिल को।
आपके पांव के नीचे दिल है, एक जरा आपको जहमत होगी। सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। साहब अब आपकी उंगली कैसी है? हैं? रामू चाकूलाल आज हम इस उंगली को काट कर ही फेंक देंगे। और जहां मुंशी जी से कहो कि आज से हमने तुम्हारी तनख्वाह 10 रुपए बढ़ा दी है। भाग यहां से, बांगड़ू देखता क्या है। पिताजी सिर्फ घर को साफ करने से काम नहीं चलेगा, पूरे गांव का सफाई की जरूरत है। यहाँ छोटे बड़े सब गंदे हैं। अरे तू तो गांव की सफाई को कह रही है, मैं कहता हूँ सारे मुल्क को सफाई की जरूरत है। यहाँ बड़े बड़े साफ करने आए और खुद साफ हो गए। लेकिन उनके कदमों के निशान तो अब तक बाकी हैं। मगर उनपे चलता कौन है, हर नया आने वाला खुद अपने निशान बनाना चाहता है। और जो जमीन पे नहीं बना सकता वो दूसरे के मुंह पे बना के अपने दिल की हसरत पूरी कर लेता है। क्या पते की बात कही है, तशरीफ लाइए। तशरीफ ले जाइए। तशरीफ लाइए। तशरीफ ले जाइए। पहले आप दोनों मिलकर फैसला कर लीजिए कि तशरीफ ले आऊं या तशरीफ ले जाऊं। राय साहब मैं आप पर दावा करने आया हूं, आप फैसला यहां कीजिएगा या कोर्ट में। कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं फैसला किए देता हूं अभी और इसी वक्त। इन्हें यहां से निकालिए वरना मैं दरबार को बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगी पिताजी। ऑर्डर ऑर्डर, मैं इस वक्त तुम्हारा पिता नहीं, भूलो मत तुम एक मुजरिम की हैसियत से मेरे सामने खड़ी हो। मेरा ख्याल है आप खुद अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि एक हाथ पे आपकी गलत फहमियां दूर नहीं हुई, आपको दूसरे हाथ की भी जरूरत है। ऑर्डर ऑर्डर, ये चिड़ियाघर नहीं अदालत है, आप दोनों को मुझसे बातें करनी चाहिए। अंजू देवी आपका वकील कहाँ है? हमें किसने पुकारा, हम आ गए। किसका मुकदमा है, कैसा मुकदमा है मुझको बताइए, ऐसा रुपया निकालूंगा कि दुश्मनों के चीखें उड़ जाएंगे। बकवास बंद करो। तो अमर बाबू आप शुरू हो जाइए। क्या पकता है? हुजूर, मेरा मुवक्किल अमरनाथ BA LLB वकील वल्द बिहारी नाथ कौम कैद आज सुबह 8:30 बजे अपने मकान में बैठा अपनी जिंदगी का अहम तरीन मुकदमा तैयार कर रहा था कि अंजू देवी बिन्त राय साहेब मोहन लाल कौम कैद यक बयक बिजली की तरह चमक कर मेरे मुवक्किल के दिल पे गिरी और उसके दिलो दिमाग को बेकार करती हुई चली गयी। अंजू देवी आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? मुझे जो कुछ कहना था इनके मकान पर क्या आई हूँ, और अगर इस वक्त आप न होते तो दूसरे काल पर भी निशान बना। अंजू देवी आपने कानून को अपने हाथ में लेकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। आपको अमर बाबू पर क्या इख्तियार था, यह हक तो सिर्फ एक लंदन रिटर्न बीवी को हासिल है। कृपा करके आप यहाँ से अपना मुंह काला कीजिए, आप उन चूहों में से हैं जो खुद अपनी दुम कुत्ता डालते हैं। पिताजी, जज साहब, जज साहब आप जानते हैं ये मिस्टर 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 अमरनाथ, ये मिस्टर अमरनाथ सारे गांव के खिलाफ संकट का झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं इनके पास अर्ज लेके गई कि आप इस मुकदमे को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो आंखें मटका के फरमाने लगे, आपके पांव के नीचे दिल है, एक तरह आपको हिम्मत हो। कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा। ये कानूनी मुकदमा है या मुशायरा? घूंगा बसंत, आप मुकदमा हार चुके हैं, अदालत का फैसला अपने मुवक्किल को सुना दीजिए। मुबारक हो अंजू देवी। मैं आपकी सूरत नहीं। क्या कर रहे हैं आप, चलिए चलो। तुम इस जमीन के हकदार किस तरह बन गए? मैंने पट्टे पे ली थी, पूरे 100 रुपए साल के भरता हूं। यह है रसीदें, देख लीजिए। पिछले साल जमीन पे मेला हुआ था या नहीं? मेरी खुशी से हुआ था। साहब तुम्हारी खुशी को क्या सदमा पहुंचा? पूरे 50 रुपए का सदमा बैठा है, मेरी सारी जमीन खोद डाली, इस साल घास ही नहीं उगा। तो क्या तुम 50 रुपए लेना चाहते हो? इंसान रुपए खाता है,
जानवर खास, खास को बर्बाद करके मैं जानवरों की हत्या अपने सर नहीं लेना चाहता। बड़े अच्छे ख्याल आते हैं मिस्टर श्रीवास्तव। क्या गांव वाले इस साल आपके पास मेले का चंदा लेने आए थे? आए थे। आपने कितना चंदा दिया था? जितनी मेरी हैसियत थी। आपकी हैसियत कितनी थी? जितना मैंने चंदा दिया था। तुम्हें साफ साफ जवाब देना पड़ेगा। हुजूर 5.25 आने। क्या आप जानते हैं कि मेले का पिंडाल जो आपने तोड़वा दिया इसी चंदे से बनाया गया था? पिंडाल मैंने नहीं तोड़वाया। क्या यह सच है? पिछले साल मेले के पिंडाल का ठेका आपको दिया गया था? जी हाँ, गांव वालों की मोहब्बत में मारा गया। और इसी मोहब्बत में 125 रुपए मार लीजिए जिसका आज तक हिसाब नहीं दिया। यही तो एक कमजोरी है मुझ में कि मोहब्बत में हिसाब नहीं रखता। मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके केस में कोई दम नहीं है, चलिए घर चलिए। वैसी बातें करती है योर ऑनर, मैं अपने मुकदमे की खुद पैरवी करने की इजाजत चाहती हूँ। अदालत आपका हक मानती है, मगर कानून की नीतियों को देखते हुए अगर आप कोई वकील मुकर्रर कर लें तो बेहतर है। मैं तनिक कुछ सेवा करने का साहस कर सकता हूँ? नहीं। किसको ना कर रही है, कुछ खबर भी है? इनके साथ राय साहब ने तुम्हारी सगाई की बातचीत पक्की कर दी है। अब पूछ भी लीजिए जो कुछ पूछना है। संकट छैला, अगर तकलीफ ना हो तो मैं पट्टे के कागज देखना चाहूंगा। हाँ हाँ, जरूर देखिए, कुछ चोरी थोड़ी है। ये रसीदें हैं, मैंने पट्टे के कागज देखने को कहा था। पट्टे का कागज? पट्टे का कागज। कहीं मेरी बकरी तो नहीं खा गई? कहीं जेब में रख के तो नहीं भूल गए? आपको मेरा भरोसा नहीं? अंदर की जेब देख लो, शायद निकल आए। बहुत दिनों से ये रद्दी कागज जेब में पड़ा हुआ था, ये तो नहीं है। योर ऑनर, पट्टे का पहला जुमला है, मेले की जमीन का पट्टा बनाम संकट। यही एक जुमला संकट के मुकदमे को खत्म कर देता है। इस जुमले से साबित होता है कि जमीन सिर्फ मेला करने के लिए रखी गई है, जिस तरह हॉकी या फुटबॉल की जमीन सिर्फ खेलने के लिए होती है और घास की वजह से खेल नहीं रोका जा सकता, उसी तरह घास की वजह से मेला भी नहीं रोका जा सकता। योर ऑनर, संकट ने मेला रोक कर गैर कानूनी हरकत की है और वो सारे नुकसान का जिम्मेदार है। इस जमीन के पट्टे की यही दस्तावेज है? जी हुजूर, यही है। एग्जिबिट नंबर। अदालत हुक्म देती है कि संकट छैला गांव वालों को पिंडाल तोड़ने का 125 रुपया हर्जाना अदा करे और मेला रोकने से बाज रहे। मारे गए मोहब्बत में। ये मेरा बिल है, हो सके तो जल्दी चुका दीजिएगा। अमर बाबू,